आज की वीडियो में है सुबह से शाम तक, और मैं किस तरह से घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैंने काम को थोड़ी सी आसान तरीके से करती हूँ, वही शेयर करने जा रही हूँ। तो जी, अभी मैंने ब्लैंकेट्स को निकाला है। ये पिछले साल धो के अच्छे से रख दिया था, और इस साल निकाला। इस तरह पैकेट करके मैं हमेशा रखती हूँ, दो तीन पैकेट में। तो देखती हूँ, ये मैं हेड बॉक्स में रखती हूँ और बेड बॉक्स में नहीं रखती। बेड बॉक्स में रखने से क्या होता है ना, ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है, और हेड बॉक्स में रखने की वजह से शायद मुझे इस साल धोना नहीं पड़ेगा। अभी इवनिंग की वक्त है और घर में एग्जाम है। एग्जाम की वजह से इन दिनों मैंने हर एक दिन सर के केक बना रही हूँ, या कुछ नाश्ता के आइटम बहुत बना रही हूँ, क्योंकि बेटी की एग्जाम है। और एग्जाम की वक्त लोग हर घर में, मुझे लगता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता ज़रूर होता है। तो अभी मैं एक केक बना रही हूँ। अच्छा, केक अंडे के साथ मैंने तेल और चीनी को एक साथ मिलाई, इसलिए गुठली बन गई है। मैंने इसीलिए दिखा रही हूँ, इतना आसान काम ठीक नहीं है। टाइम उल्टा टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। तो मेरी केक की मिक्सर रेडी हो गई है, और एक दिन मैं अच्छे से ये केक की रेसिपी दूंगी। और इतनी स्पॉन्ज हुआ है तो मुझे भी बहुत खुशी मिली, इतनी अच्छी केक बनाई मैंने। और जी, अभी पहले से मैंने बोल को ग्रीस करके रख दिया था, और अब इनको फ्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। बस 5 मिनट ही कर लिया, और अभी देखिए मेरी जस्ट 3 मिनट में मेरे केक जो है बन गई है। मैं भी हैरान हूँ, इतनी कम टाइम में, और बहुत बहुत सॉफ्ट हुआ था, और टेस्टी भी बहुत हुआ। और आप यकीन मानो, ये केक एक बैठा एक बार ही ख़त्म हो गया था। तो जी, बच्चे के एग्ज़ाम है, अभी टाइम भी नहीं मिलता है, बॉय सबर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है कोई भी। यार, दिन छोटा हो गया है ठंडी की वजह से। और जी, यहाँ मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, ये ऑर्डर किया था मैंने स्नैपडील से, स्नैपडील। हाँ, तो मैंने देखा था ये लॉन्ग टाइप की है, लेकिन शायद ये लॉन्ग नहीं है इतना। और इस तरह की सब स्टिक मेरे पास और भी है। मैंने एक गलती कर ली, ये इसका जो कबाड़ है, कबाड़ मैंने फेंक दिया। ये अभी देख रहा है लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग नहीं है इतना। और जी, एक मैट ऑर्डर किया था, ये मल्टीपर्पस मैट है, आप वेजिटेबल काट सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह, जैसे हम प्लास्टिक तो अच्छा नहीं है, ये सिलिकॉन का। तो मैंने इसे रख दूंगी, ये वेजिटेबल या फ्रूट्स काटने के लिए मैंने नहीं रखा, मैंने मंगाया था डाइनिंग टेबल के लिए। तो मैंने डाइनिंग टेबल पे किस तरह रख दूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। और आपके पास एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप लाइक डन करके वीडियो को फुल वॉच करना, और आगे आगे देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह आसान से मैं काम को निपटा रही हूँ आजकल। तो पहले से करती थी, लेकिन पहले इतना प्रेशर नहीं था। और अभी ब्लैंकेट को मैंने धूप में रख दिया। और जी देखिए, मेरी जो ट्राइपॉड है, ये बड़ी साइज के 6 फीट का है ये। इसका जो हेड है ये पहले से टूटा हुआ था, मैंने थोड़ी सी कपड़े के साथ बांध के इसे यूज़ करती थी। तो अभी मुझे फ़िलहाल मुझे ये लेना पड़ा, और इसी वजह से मैंने ना 2-3 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। मेरे पास दो थे, एक तो पहले ही ख़राब हो गया है, और दूसरी की ये हाल है। तो मैं फ्लिपकार्ट से, या हाँ फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर दिया वो। और देखिए, ये मैंने डाइनिंग टेबल पे इस तरह रखी, क्योंकि जग और ग्लास जब एक साथ रहते हैं ना, तो पानी जब फिलअप करती हूँ, डालती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी पानी ये डाइनिंग कवर में हमेशा गिरती है। तो हमेशा गिरती है और हमेशा पूछा लगाना पड़ता है। तो मैंने इस वजह से यहाँ रखा, और गर्म चीज़ हो या ठंडा चीज़ हो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये खरीद करके। और जी, मैं ये दोपहर की वक्त है, अभी घर में कोई नहीं, मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है,
तो बेटी को नाश्ता दे के मैं अभी ये लहसुन और प्याज किस तरह सील के रख दूंगी। लहसुन के ऊपर की जो सिलके है ना, ये हथौड़ी से मैंने थोड़ी सी तोड़ लिया। अभी लहसुन को मैं भिगो दूंगी और बाकी जो प्याज है प्याज को सील के अच्छे से धो के रख दूंगी। और ये काम मैं बेडरूम में बैठ कर ही करती हूँ, ताकि और साथ साथ मैं थोड़ी सी बॉर्नविटा भी पी रही हूँ। थकावट होती है बहुत, तो खुद का ख्याल खुद ना रखो तो अभी तो कुछ कोई है नहीं इस तरह। तो इस तरह लहसुन को मैंने भिगो दिया। 2-3 घंटा भीगने के बाद ये हाथों से मसल मसल के ये छिलका जो निकल जाएंगे। और ये किचन के लिए लाई हूँ, मैं देखती हूँ मैं किस तरह लगाती हूँ। मैंने यह शीट लगा दी और इस शीट को मैंने फुल कवर नहीं किया अभी तक, और इसके लिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचा इस पूरे शीट को लगा के फिर यहाँ लगाऊंगी। तो अभी मैं धो के यहाँ रख दिया था। और अभी टाइम हुआ है इवनिंग की, तो सुजान और बच्चे चाय के साथ ये डोनेट्स और हॉट डॉग खा रही है, साथ में मैं भी थोड़ी सी खा रही हूँ। और आज की छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी कमेंट की मुझे बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। तो बच्चे, मेरी बेटी कहती है मैं जितना पढ़ाई करती हूँ उससे ज़्यादा मैं खाती हूँ, क्योंकि चावल ज़्यादा नहीं लेती है कभी भी, चावल हो रोटी हो, लेकिन उसको फास्ट फूड बहुत पसंद है। मैंने इतनी समझा रही हूँ फास्ट फूड बंद करो, अभी थोड़ी सी कम करो। तो कोर्ट से आने के वक्त ये ले आया था, अभी चाय के साथ खा के पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। तो फिर भी मैं, मुझे ये नाश्ता तो अभी इवनिंग की टाइम है, मुझे 8 या 8:30 बजे फिर से नाश्ता देना होगा। तो तब मुझे कभी चाय, कभी बॉर्नविटा, कभी नाश्ता केक, तो इस तरह से हमेशा लगा रहती हूँ इनके पास। तो मुझे एक आदत है, जो करे जो खाए, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई तो करे। तो हर आधे घंटे के बाद इसको कुछ ना कुछ चाहिए, और कहती है बॉडी थोड़ी सी अनइजी हो जाता है इसीलिए। और जी ये रात की टाइम है, आज रात में मैं सोयाबीन बनाई, अंडे को भुना किया है, प्याज के साथ फ्राई किया, ज़्यादा करके प्याज डाला, और साथ में एक सब्जी भी है। तो सिंपल है, रात को हम हमेशा सिंपल ही खाती हूँ। और दाल भी है साथ में, अंडे भुना, प्याज सोयाबीन की फ्राई समझो या ग्रेवी टाइप, और अचार, मूली, हरी मिर्ची, साथ में दाल। तो हम जब वेज खाती हूँ फिर भी, तब भी कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा रात को सिंपल खाती हूँ, थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ और 2 पीस चिकन फ्राई भी है साथ में, ये लाजमी चाहिए चाहिए। और चिकन फ्राई हमेशा जब भी एग्जाम नज़दीक आता है तो सुजान को चिकन फ्राई थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए। और जी ये खाना, रात को खाना खा के मैं सुबह के लिए सब्जियों को काट के रखती हूँ। तो ये दिखाने की मकसद ये है, आप हमेशा किचन में जाके ही काम करो या खाना बनाने के टाइम ही आप कुछ करके रखो, ये नहीं। तो आपके पास जब भी टाइम मिले, आपके फैमिली के हिसाब से आप उस अकॉर्डिंग से आप काम को थोड़ी सी टेक्निक की तरह करके निपटा के रखो। मैं ये सब्जी को काट के अच्छे से जिपलॉक बैग में भर के रख दूंगी, ताकि सुबह मुझे फटाफट से ये गर्म पानी से धो के अच्छे से मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो ये इसीलिए मैंने दिखा रही हूँ, आप किचन में जाके ये काटो, ये तरीका नहीं। अब कहीं भी हो, मैंने एक बड़ा सा इसकी ट्रे ली, इसे ट्रे के ऊपर अभी आराम से बैठ के काट रही हूँ, साथ साथ मैं मोबाइल भी देख रही हूँ। और बच्चा भी फिर से पढ़ाई करने के लिए खाना खा के बैठ गया है, तो इतना जल्दी तो सोने नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा बैठ ही रहूँ तो थोड़ी सी काम को मैंने निपटा के रखूँ। आप भी ये कर सकती है, आपके पास अगर इस तरह कोई काम होगा तो अगले दिन के लिए आप अच्छे से निपटा के रख सकती है।
तो जी आपको कैसा लग रहा है मेरी छोटी सी ये टेक्निक, मैंने बेडरूम की दरवाज़ा को बंद कर ली, क्योंकि ये थोड़ी सी टुक टक जो साउंड होता है ना, ये साउंड अगर किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो बंद गोभी और पत्ते फूल गोभी को मैंने इस तरह काट के अच्छे से रख दूंगी। आप भी इस तरह करती है या नहीं करती है, आप अपने काम को किस तरह करती है थोड़ी सी कमेंट में मुझे भी बताइए, मैं भी आपकी काम से थोड़ी सी सीख लेती हूँ। तो ये है मेरी सुबह की तैयारी। और आजकल इतनी बिजी हो गई हूँ मैं, मुझे मुझे भी मालूम नहीं हुआ, तो मैं दिन भर काम कर लेती हूँ आजकल। पता नहीं कुकिंग करते करते मैं कब 1 बज जाता है, या 12:30, 11, 12:30 या 1 होता है, मुझे वक्त की टाइम ही नहीं मिलता है। और जी हमेशा मैं यह बोतल रखती थी, अभी मैं प्लास्टिक बोतल को छोड़ दिया कि कास की जग में पानी भर के यहाँ रख दी। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए।